नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद साइंस सेशन टू, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। दिनचर्या अध्याय का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें ग्रीष्म ऋतुचर्या पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी, उसको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है मध्यम न पेयम, पेयम व स्वल्पम सुबहुवारिगा। मतलब इसमें कहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मध्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मध्य का मतलब शराब। ग्रीष्म ऋतु में मध्य को नहीं पीना चाहिए। अगर पेयम व स्वल्पम, अगर पीनी है किसी कारण से तो स्वल्पम यानी बहुत कम मात्रा में पीनी चाहिए। और कैसे पीनी चाहिए? सुबहुवारिया यानी बहुत अत्यधिक पानी मिला के पीनी चाहिए। पीनी पड़े तो बहुत अधिक पानी मिला के पीना चाहिए। मान लो ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, उसके लिए आगे लिखा है अन्यथा शोष शैथिल्य दाह मोहान करोमितत। यदि उसको अधिक मात्रा में पियोगे और स्वल्प में नहीं पियोगे और पानी ज़्यादा नहीं मिला के पियोगे तो क्या करेगी वो, अन्यथा शोष क्या करेगी, शोष करेगी, शरीर को सुखा देगी, शरीर में शिथिलता उत्पन्न कर देगी, दाह पैदा करेगी, मोहान मोह पैदा करेगी, भ्रम पैदा करेगी, इस तरह के रोगों को उत्पन्न करेगी। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मध्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंदेन्दु धवलम साली मस्फीन या जांगलई पले। इसके अलावा कुंद पुष्प यानी मोगरा और गुजराती जो पुष्प हैं ये तथा चंद्रमा के समान शुभ्र साली धान को जांगल मांस के साथ सेवन करें। जांगल मांस के साथ इसको सेवन करें। इसके अलावा पिबेद रसम नातिघनम रसालाम राग साढ़वो पानकम पंचसारम व नव मृद भाजने स्थितम। मूच चोच दलयुक्तम सांबलम म्रमन ने सुक्ति भी पाटलावासितम चाम्भम शय कर्पूर सुशीतलम। इसके अलावा क्या क्या सेवन करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु, उसके बताया ग्रीष्म ऋतु में अतिशय घन मांस रस को नहीं पीना चाहिए। मतलब ग्रीष्म ऋतु में अतिशय घन के मतलब बहुत गाढ़ा मांस रस का सेवन नहीं करना चाहिए। रसाला, रसाला का मतलब ऐसी चीज़ रसे ठंडे शरबत पीने चाहिए। राग साडव पानक और पंचसार को मिट्टी के नए पात्र में रखकर पीना चाहिए। केले और नारियल के टुकड़ों को मिलाकर अनारदाने से खट्टा करके मिट्टी से बनी सीपियों में रखकर, मिट्टी से बने हुए बर्तन में रखकर के उसको खावें। पाटला पुष्प से सुशोभित कर्पूर मिश्रित अतिशय शीतल जल पी में, मतलब बहुत ठंडा जल पियो ग्रीष्म ऋतु में। इस प्रकार से इनको ये सेवन ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में रात्रि भोजन की व्यवस्था, ग्रीष्म ऋतु में रात्रि भोजन किस प्रकार करना चाहिए कि शशांक किरणान भक्षान रजन्या भक्षयेन पिबेत सहितम माशिषम क्षीरम चंदन क्षत्र शीतलम। मतलब शशांक किरण का मतलब है कि रात को कपूर के टुकड़े, शशांक बोलते हैं कपूर के टुकड़ों से शीतल करके भक्ष्य पदार्थों को रजन्या रात्रि में उनको उनसे शीतल करके भक्ष्य पदार्थों को कपूर के टुकड़ों से शीतल करके और रात्रि में उसको खावें, उसका सेवन करें। और इसके अलावा शासितम महिषम क्षीरम और महिष यानी भैंस के दूध को चंद्र नक्षत्र शीतलम, चंद्रमा और नक्षत्र के से शीतल बना करके चंद्रमा की चांदी में रख करके नक्षत्र में रख करके भैंस के दूध को रात्रि को शर्करा मिश्रित करके भैंस के दूध को रात्रि को पीवें। ग्रीष्म ऋतु में ये इसमें वर्णन किया गया है। भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक शीतल होता है, इसलिए इसको ग्रीष्म ऋतु में भैंस के दूध का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीष्म में मध्यान्ह में सेवनीय स्थान, ग्रीष्म में मध्यान्ह में सेवनीय स्थान कौन कौन से हैं उसके बारे में लगाया है कि अभ्र अंक महासाल ताल रुद्धो उष्ण रश्मिषु वनेशु माधवी श्रेष्ठ द्राक्षा स्तंभ शालिषु सुगंधि हिमपानीय सित्य मानक पाटलिके कायमाने चिते चूत प्रवाल फल लुम्बी भी। तो इन्होंने बताया कि मध्यान्ह में आकाश को छूने वाले अति मतलब बहुत बहुत लंबे 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 वृक्षों के नीचे, महासाल के पेड़ों के नीचे, ताड़ आदि के वृक्षों के जहाँ पर सूर्य की किरणें कभी आ रही हो कभी नहीं आ रही हो, मतलब कुल मिला के वहाँ रमणीय स्थान हो, ठंड शीतल स्थान हो, उस स्थान में रहना चाहिए। माधवी लता से लिपटे हुए द्राक्षा के गुच्छों से शोभित
वन एवं लता मंडपों से अथवा सुगंधित शीतल पानी से सिंचित पर्दों वाले सुंदर एवं आम से आम के कोमल पत्ते एवं फलों के गुच्छों के से व्याप्त ऐसे स्थानों पर आपको रहना चाहिए जहाँ पर मतलब कुल मिला के फलों के वृक्ष हों, जहाँ से फलों से टकरा करके शीतल शीतल मधुर मधुर शीतल हवाएं आ रही हो, ऐसे स्थान पर दोपहर में रहना चाहिए। इसके अलावा कदली दल हैकर मृणाल कमल उत्पलई कोमलई कल्पितई तल तल तल्पे हंसक कुसुम पल्लवे मध्या दिने अर्कतापर्तम स्व उद्धार गृहे अथवा पुष्ट स्त्री स्तन हस्त हास्य प्रवृत्ति उशीर बारिणी। और इस आगे उन्होंने बताया कि केले के पत्ते कलहार यानी सौगंधिक मृणाल कमल के उत्पल इनसे बनाई हुई कायमान शरीर के अनुसार लंबी चौड़ी कोमल सैया पर फूलों की पंखड़ियों जहाँ पर बिखेर रखी हो वहाँ उस ऐसे सैया पर ऐसे धाराग्रहों में सूर्य की गर्मी दुखी मनुष्य को परेशान नहीं करे ऐसे स्थान पर वहाँ पर आपको सोएं। इन धाराग्रहों में मिट्टी या लकड़ी से बनी हुई स्त्री की पुतलियों के स्तन हाथ मुख से खस के पानी की धार निकल रही हो ऐसे स्थान पर आपको दोपहर में विश्राम करना चाहिए। उसमें आपको शीतल सुगंधित हवा जहाँ मिले वो तो गर्मी से राहत मिलेगी, इसलिए ऐसे स्थान पर रहना चाहिए। ग्रीष्म में रात्रि के में सेवनीय स्थान रात्रि में ग्रीष्म में रात दिन में के अलावा रात्रि में कहाँ रहें उसके लिए बताया निशा कर किरणम सौद पृष्ठ निवासुच आसना। इन्होंने बताया कि रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में व्याप्त मकान की छत पर सोएं, वहीं रात बिताएं, मतलब संपूर्ण रात्रि को चंद्रमा की चांदनी में छत पर सोएं, जो चूने से बनी हुई छत हो इस ऐसी छत पर जो ठंडी रहती है उस पर सोएं, ये रात्रि का समय बताया। आगे है स्वस्थ चित्तस्य चंदन आद्रस्य मालिनः निवृत्त काम तंत्रस्य स सूक्ष्म तनुवासः जला आद्र ताल वृत्तांतम विस्तृता पद्मिनी पुटा उत्क्षीप पाश्चम मृदु क्षेपा जल वर्षिन हिम अनिला। कुल मिलाकर के स्वस्थ चित्त वाले पुरुष को थकान मिटाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी, उसके बारे में बताया है कि चंदन का लेप करें, स्नान करने के बाद में ग्रीष्म ऋतु में चंदन का लेप करें, माला का धारण करें, संभोग से निवृत्त रहें, अतिशय महीन वस्त्र को धारण करें, बहुत ही बहुत पतले पतले वस्त्र इसको इनको पहने, स्वस्थ चित्त वाले पुरुषों के थकान को पानी के भीगे पंखे कमलिनी के विशाल पत्र ऊपर के निकले हुए धीमे धीमे फुमारे और सजल शीतल वायु इस प्रकार से इनका वहाँ सेवन ऐसी स्थिति हो वहाँ उसका सेवन करें। इसके अलावा कर्पूर मल्लिका माला हारा हर चंदना मनोहर कलालाप सुषव सारिका सुखा मृणाल लवल्या कांता प्रोत्फुल्ल कमल उज्ज्वला जंगमा इव पद्मिना हरंती दयिता क्लमम। इसके अतिरिक्त कमलिनी के विशाल पत्र ऊपर से निकले हुए धीमे धीमे फुमारे सजल शीतल वायु कपूर या चमेली से बनी माला मोती के हरिचंदन से बनी मालाएं मनोहर सुंदर बोलने वाले बालक तोता और मैना की सुंदर वाणी अतिशय कोमल कमलनाल के कड़े पहनी हुई खिले हुए कमल से उज्ज्वल शोभित चलती फिरती पद्मिनी के समान स्त्रियां दूर से ही इस शीतलता को प्रदान करते हुए गर्मी का हरण कर देती है, इसलिए ऐसे स्थान पर रहें। ये इस प्रकार से इसका वर्णन इसमें इसमें किया गया है। अब इसके बाद में अन्य ऋतुचर्या का वर्णन है, उसको वर्षा ऋतुचर्या में है कि वर्षा ऋतुचर्या में क्या आएगा। वर्षा ऋतुचर्या आदान ग्लान पुष्पमग्नि सन्नोपि शीदति वर्षासु दोष दुष्यंतम ते अम्बु लंबा उदरे अम्बरे सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च भूवाष्प अम्लापानेन च वारिणा वन्नी नैव च मंदेन तेस्वी श्रोन बंधुषु भजेत साधारणम सर्व उष्णम तजेत सयत। आगे उन्होंने वर्षा ऋतु में बताया है कि वर्षा ऋतु में आदान काल होने से
अपचित धातुओं वाले शरीरों से पहले से ही मंद अग्नि दूषित वाता दोषों को और मंद कर देती है, और दूषित दोष मंद कर देती है, क्योंकि वर्षा काल में जब आकाश पानी से घिरे बादलों से घिर जाता है तब वातादि दोष अधिक दूषित हो जाते हैं। साथ ही तुषार मिश्रित शीतल वायु से एकदम चलने के कारण पृथ्वी के वाष्प से अम्ल पाक वाले मलिन पानी से तथा काल स्वभाव के कारण मंदवनी से कप को दूषित होने से वातादि दोष एक दूसरे को अत्यधिक रूप से दूषित कर देते हैं। उस समय साधारण विधि अर्थात जो सबके लिए अनुकूल हो उस विधि के अनुसार अग्नि को प्रदीप्त करने वाली ऐसी विधि का प्रयोग करें जो अग्नि को प्रदीप्त करे, उस ऐसी व्यवस्था को करना उसमें चाहिए। दिस सेशन प्रोवाइड बाई डिजिटल लेसन टू सेशन टू। आई होप यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स, आई विल रिसोल्व इट। थैंक यू।